पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का प्रोज पॉइंट में का चैप्टर 4 अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसके राइटर जॉन केट्स हैं। तो आज इस चैप्टर का अ थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछेगा, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इन अबाउट 18 वर्ड्स, 80 शब्दों में अ थिंक ऑफ ब्यूटी पर केंद्रीय विचार कीजिए। आंसर लिखेंगे, इट इज सैड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस अबाउट द ब्यूटी, ही सेज दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट आल्सो हर्ड इन नेचर। दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, द सनलाइट द बर्ड्स द ग्रोइंग कॉर्न एंड द पीपल डांसिंग आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी। इट कैन बी सीन इन द नाइट इन द शाइनिंग ऑफ विंड द फैलिंग ऑफ द रेनड्रॉप्स एंड चैंटिंग ऑफ अ सिंगर। इट मैन ब्यूटी कैन बी सीन इन हिज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स। इफ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड एवरीथिंग आउटसाइड विल लुक ब्यूटीफुल टू अस। क्रोचेस सेज हैंडसम दैट हैंडसम डच। तो इसका मैं ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ, हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। अगर भूल जाएंगे तो आप हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत बच्चों को कम आती है, तो इसलिए हिंदी को ट्रांसलेशन सुने रहेंगे तो वे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए खुशी होती है। क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी होती है। इस कविता में कवि हमें सुंदरता के बारे में बताता है। उनका कहना है कि प्रकृति में सुंदरता न केवल देखी जाती है बल्कि सुनी भी जाती है। यह सौंदर्य चिर स्थाई है। सूरज की रोशनी, पंछी, बढ़ता हुआ मक्का और नाचते लोग सुंदरता का एक प्यारा दृश्य है। यह रात में देखा जा सकता है, हवा की आहें में बारिश की बूंदों का गिरना और एक गायक का जप। पुरुषों में उनके अच्छे कामों और खुश विचारों में सुंदरता देखी जा सकती है। अगर हम अंदर से खूबसूरत हैं तो बाहर की हर चीज़ हमें खूबसूरत लगेगी। अगर हम अंदर से खूबसूरत हों तो बाहर की हर चीज़ हमें खूबसूरत लगेगी। क्रोस जो थे कहते हैं सुंदर जो है सुंदर करता है। तो इस चैप्टर का मैंने सेंट्रल आइडिया बता दिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैंने रोड साइड स्टैंड का भी सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, जिसके राइटर रॉबर्ट फॉर्स्ट हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।